जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयारी की तेज। दो अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत की गई कार्रवाई। 25 को किया गया जिला बदर। 2000 से ज्यादा की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही। ये कुछ आंकड़े हैं पिछले महीने के अगस्त। शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर प्रशासन की है कड़ी नजर। प्रशासन ऐसे 125 से 150 अपराधियों को पूरे जिले में नजर रख रहा है। उन पर उसकी पूरी नजर है। उनके रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। उनके भविष्य में किए गए अपराध के हिसाब से उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस कप्तान विवेक सिंह का कहना है, आजकल युवाओं में अवैध हथियार रखने का रिवाज बन गया है। ऐसे युवा इन कामों को छोड़े, अगर पकड़े गए तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा पुलिस कप्तान विवेक सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है एनएसए और जिला बदल की, क्या कुछ कार्रवाई की गई? ये आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और साथ ही साथ जिले की कानून व्यवस्था को देखते हुए पिछले महीने पूरे जिले भर में करीब 25 जिला बदर प्रकरण बनाए गए हैं। इसके साथ साथ दो एनएसए की कार्रवाई भी की गई है और 2000 से अधिक इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। और जो भी ऐसे तत्व हैं जो कहीं शांति व्यवस्था में खलल पैदा कर सकते हैं उनको लगातार चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे करीब हमने 100 से 150 लोगों को हमने चिन्हित कर रखा है, जिनके खिलाफ आगामी समय भी और इस प्रकार से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो अन्य हैं या जहाँ पे विवाद की संभावना है वहाँ पे भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में बाउंड ओवर किया जाएगा और जो भी बाउंड ओवर का उल्लंघन करेगा उसको फिर बाउंड डाउन किया जाएगा और उसके खिलाफ जमात जब्त। सर, ऐसे और कितने अपराधी संदिग्ध व्यक्ति हैं जिन पर कार्रवाई? अभी हमने करीब 150 लोगों को चिन्हित किया है। अन्य हैं जो जिनके खिलाफ इसी प्रकार से जिला बदर एन एस ए जैसा भी वो होगा कृत्य होंगे उस प्रकार से उसमें कार्रवाई की जाएगी। और बाकी अन्य कई सारे हैं जो हम प्रकरण निकाल रहे हैं तो उनके खिलाफ बाकी प्रतिबंधात्मक धाराओं में उनके खिलाफ भी कार्रवाई। फिर कैसे व्यक्ति हैं, इन पर क्या आरोप है, कौन कौन से अपराध हैं? ये जो लगातार लड़ाई झगड़े करते हैं, शांति व्यवस्था में खलल डालते हैं या अन्य गंभीर घटनाएं करते हैं जिससे कि शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित होती है, ऐसे तत्वों को चिन्हित किया। सर, इस समय शहर में युवाओं में एक ट्रेंड चला है अवैध हथियार को, पिस्टल है, रिवाल्वर, इस पे किस प्रकार का कुछ करवाया? जो भी सभी ऐसे युवाओं से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ये गैर कानूनी है। अगर आप अवैध पिस्टल लेके आपके पास है आपके पोजिशन में तो ये गैर कानूनी है और यदि हमको इसमें सबूत मिलते हैं तो आपके खिलाफ हमें कार्रवाई की जाएगी। आम साइड की कार्रवाई इसमें होती है उसको करके और आपके खिलाफ फिर और भी कड़ी इसमें कार्रवाई की जाएगी। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।